चलिए गायनेकोमेस्या की बात करें। लोग इसे मर्दों को होने वाली बीमारी कहते हैं, पर बीमारी क्यों? ऐसा कहा जाता है कि जब से मनुष्यों का जन्म हुआ था, मर्दों की छाती चौड़ी बनाई गई। किसी मुश्किल घड़ी में अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए आदमी पहले अपनी छाती आगे करता है। पर अभी रिसेंटली एक स्टडी के अकॉर्डिंग 75% से ज्यादा मर्द गायनेकोमेस्या के शिकार है, जिसके कारण एक व्यक्ति अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है। उदाहरण के तौर पे, आपको याद है पिछली बार जब आप पब्लिक में थे, अपने दोस्तों के बीच, अपने ऑफिस में, क्लास में या किसी मीटिंग में, तभी कुछ ऐसा टॉपिक आया था जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन आपने तभी कुछ भी नहीं बोला क्योंकि आपको किसी तरह की इनसिक्योरिटी रोक रही थी। ऐसा हर बार होता है, ना किसी पब्लिक प्लेस में बल्कि किसी लड़की से बात करते हुए, या अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगती है पर आप बस उसके बारे में सोच कर छोड़ देते हो, लेकिन उससे बात नहीं करते। अगर वो आपसे बात करने भी आई तो आप उसकी बात सुनने के अलावा बस अपने दिमाग में जो चल रहा है उसके बारे में सोचते हो। इन सब का एक ही रीजन है, आपके इनसिक्योरिटी। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसे इनसिक्योरिटी के बारे में बात करूंगा जिसके कारण 65% से ज्यादा लोग परेशान है, और वो है गायनेकोमेस्या। तो मैंने कुछ एक साल पहले गायनेकोमेस्या और पफी निपल्स के बारे में यूट्यूब पर एक वीडियो डाला था जो कि काफी वायरल हुआ था। तो मुझे 1000 से ज्यादा कमेंट्स और 10,000 से ज्यादा डीएम्स आए, जिसमें सभी बस गायनेकोमेस्या के बारे में पूछ रहे थे। मैं मानता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद से आपको गायनो होगा, और मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो पूरे इंटरनेट पे वो आखिरी वीडियो होगी जिसके देखने के बाद आप समझ जाओगे कि गायनो क्या होता है और उसका नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है। इसके बाद आपको वीडियोस देखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे इतने सारे कमेंट्स आए, इतने सारे डीएम्स आए, तो मैंने उस चीज़ के बारे में स्टडी करते 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 मुझे पता चला कि हाँ, ये एक सीरियस इशू है। लाइक कोई इसके बारे में बात भी इसीलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो पर्सन को अजीब लगता है कि कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में। बट डोंट वरी, मुझे भी पहले हैबिट था, मैं अपने शर्ट को ऐसे ऐसे आगे करता था, ऐसे 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 कि बॉडी झुक जाती है ऐसे, अब ट्राई करते हो उसको कवर करने के लिए। तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, बहुत से जनों को ना गायनो होता भी नहीं, वो बस अपने चेस्ट का अजीब सा शेप देखते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें गायनो है। गायनो एक्चुअल में है क्या? गायनेकोमेस्या आगे मैन बूब्स का एक साइंटिफिक टर्म है, जिसमें मर्दों की चेस्ट थोड़े बहुत औरतों के जैसे दिखने लगती है क्योंकि आपके निपल एरिया में ग्लैंड्स जमा होने लगते हैं। इसका बस एक ही रीजन है, आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से, यानी आपकी जब एस्ट्रोजन लेवल टेस्टोस्टेरोन से ज्यादा हो जाते हैं, एस्ट्रोजन आके फीमेल ब्रेस्ट टिश्यूज प्रोड्यूस करने लगता है आपकी बॉडी में, जिसके कारण आपके चेस्ट में ग्लैंड्स जमा होने लगते हैं। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के पहले, किसी रीजन की वजह से पहले श्योर होना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, आपको बस अपना हाथ स्ट्रेट ऊपर करना है, उसके बाद आपके निप्पल एरिया में हाथ को रब करके देखना है। अगर आपको आपके निप्पल एरिया में कुछ थिक नॉट्स जैसे या ग्लैंड्स सा फील होता है, इसका मतलब आपको गायनो है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, बस वो थोड़ा सा लंपी है, स्क्विशी है, तो वो बस फैट्स है। आपको उसके लिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं क्योंकि वो वर्कआउट वगैरह फैट लूज करने से वो कम्प्लीटली चला जाएगा। तो आप समझते हैं कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्यों है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने के दो रीजंस हो सकते हैं। पहला तो प्यूबर्टी में होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आप जो डाइट वगैरह खा रहे हो उसमें बहुत ज्यादा मतलब ऊटपटांग चीज है, जिसकी वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा है या आप ठीक से उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, वो आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस कॉज कर देते हैं। कई बार वो एक जेनेटिक भी होता है कि आपके एस्ट्रोजन लेवल्स जेनेटिकली ज्यादा होते हैं, और एक होता है कि आप बस अपना वेट गेन करते जा रहे हो और निपल्स के यहाँ पे वो गायनो फॉर्म होते जा रहा है एंड आप उस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे, कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे, डाइट ठीक नहीं कर रहे, तो वो बस फॉर्म हो जाता है। और दूसरा जो कि स्टेरॉइड्स या किसी तरह का ग्रोथ हार्मोन लेने की वजह से होता है। तो इसका एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। पहला तो अगर आप स्टेरॉइड्स लेने का सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आपको गायनो फेस करना पड़े, इसीलिए लेने के पहले आप 10 बार सोचिए। एंड अगर आपने डिसाइड किया है स्टेरॉइड्स लेना तो किसी प्रोफेशनल के गाइडेंस के अंदर लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें कुछ मेडिसिन पता होते हैं जो कि आपके एस्ट्रोजन लेवल्स को कम करता है या कंट्रोल करता है। बाकी जो आप प्यूबर्टी में होने के चांसेस कम करने के लिए, आपको अपने डाइट को ठीक करना पड़ेगा और दिन में थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना ही पड़ेगा, वरना अभी तो कुछ नहीं, बट फ्यूचर में आपको कुछ नए प्रॉब्लम्स फेस करने लगेंगे जिसके लिए आप बचपन से प्रिपेयर नहीं होते। अगर आपको एक बार गायनो आ जाए तो या तो आप उसे श्रिंक कर सकते हो या उसे स्वेल कर सकते हो, यानी और डेवलप कर सकते हो। अब जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक बार अगर गायनो आ गया तो बस आ गया, आप ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन लेकर या वर्कआउट से इसके साइज को श्रिंक कर सकते हो, पर किसी तरह का वर्कआउट या मेडिसिन इसे पूरी तरह से निकाल नहीं सकता। तो इसे पूरी तरह निकालने का बस एक ही सॉल्यूशन है, सर्जरी। कुछ समय पहले मैं खुद ग्रेड 3 गायनो से सफर कर रहा था, पर सर्जरी अफोर्ड ना कर पाने की वजह से मैंने डाइट एंड वर्कआउट करके इसे श्रिंक किया था। एंड आफ्टर सम टाइम जब मैं
सर्जरी अफोर्ड कर सकता था तब मैंने छोटे मोटे बचे हुए ग्लैंड्स निकलवा लिए थे। लेकिन ऑनेस्टली मैं अपना रिव्यू बताऊं कि मुझे सर्जरी के बाद कैसा लग रहा है, तो या तो डॉक्टर ने मेरी सर्जरी बराबर नहीं की, मुझे नॉट्स फील होते हैं पर वो एकदम माइनर है तो विजिबल नहीं, अगर वो स्वेल हो जाए तो पॉसिबिलिटी है कि मुझे वापस उसे ट्रीट करना पड़े। बट अपार्ट फ्रॉम सर्जरी मैं पहले भी काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा था क्योंकि मैंने अपना जब ट्रांसफॉर्मेशन किया था मैं काफी अच्छे शेप में था, तो मेरा हार्डली ध्यान जाता था गायनों की तरफ। तो आपको सर्जरी करवाने के पहले एक राइट डॉक्टर चूज करना भी काफी इम्पोर्टेंट है। बाकी आई होप आप समझ गए होंगे कि गायनो क्या है, कब होता है, क्यों होता है एंड उसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपको भी फैट लॉस या मसल गेन करना है या दोनों सेम टाइम पे करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या शॉर्टकट्स या क्या कैसे आप उस डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच सकते, ये सारी चीजों के बारे में मैं आगे वीडियोस में अपने चैनल पे बताते रहूंगा, तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना, कीप रीडिंग बुक्स। ओके, टेक केयर, सी या।